हेलो फ्रेंड, आप अपना बुटीक में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी हनुमान जी का झंडा कि किस तरीके से झंडे की कटिंग होती है और कितना लंबाई एवं चौड़ाई रहती है। तो मैं बताऊंगी कि 1.25 मीटर में 2.5 मीटर का झंडा किस तरीके से बनता है। बहुत सारी सरल तरीके की कटिंग है, तो शुरू से आखिरी तक मेरा वीडियो जरूर देखिए और एक एक पॉइंट समझिए। तो जी हमारा कपड़ा देखो 1.25 मीटर, हनुमान जी का झंडा जो है ना अक्सर 1.25 मीटर में ही बनता है। तो सबसे पहले क्या करें, आप ये कपड़े को फैला लें इस तरीके से। फैलाने के बाद में क्या करना है आपको कि जो हमारा ये वाला भाग है ना, ये ऊपर का ये वाला भाग ये रहता है, तो ये जो है इसको सबसे पहले देखिए कपड़ा को सीधा कर लें, यदि टेढ़ा मेढ़ा हो थोड़ा बहुत भी तो, क्योंकि जब हम वो पोल पट्टी बनाते हैं और कपड़ा यदि थोड़ा सा भी रेप रहता है तो पोल पट्टी बराबर नहीं बनती है। अब इसको कटिंग के इस तरीके से निशान लगाना है आपको। तो सबसे पहले क्या करें कि लिए ये झंडे को देखिए, इधर से ये जोड़ मिला लें, ये बराबर ये जोड़ मिला लें और ये 20 सेंटर ये देखिए यहाँ पे चौक लगा लें, ये निशान लगा लें आप ये। अब ये निशान लगाने के बाद में इसको उरेप लेना है, ये ऐसा उरेप लेते हुए यहां तक ले जाना है, ये ऐसा तिरछा ये पूरा ये कोना पकड़ना देखिए इस कोने तक, टेबल बराबर आ नहीं रहा है, इस कोने तक आपको इस तरीके से रेप करना कपड़ा को, ये पूरा कोना मिलाना है। ये बहुत ही बता रही 1.25 मीटर में 2.5 मीटर का झंडा जो है तो बनता है। अब यहां से पूरी कटिंग कर लेंगे ये तिरछी, इसमें कपड़े कटिंग में फेंका भी नहीं जाता, कुछ नहीं, बहुत ही सुंदर बनता है। देखिए आप इधर बस कोने का ध्यान रखना है, ये देखिए ये कोना मिलाना, ये हमारी हो गई कटिंग। अब ये कटिंग करने के बाद बता दूं कि ये हमारा इस तरफ जो नीचे का कपड़ा है ना, इसको बड़ा कपड़ा तो दिख नहीं रहा होगा, बहुत सब मैं झंडे के और भी वीडियो अपलोड करी हूँ। अब इसको है ना पोल पट्टी बनाना था, पोल पट्टी देखिए यहाँ पे हमारी रहेगी 2.5 इंच की, तो 3 इंच कपड़ा लेना है आपको, यहाँ पे निशान लगाना 3 इंच, 3 इंच पूरा लेते हुए यहाँ पे ये पोल पट्टी का ऐसा प्रेस कर लें आप और ये यहाँ तक लाएं। अब यहाँ पे क्या करना है कि जब ये कोने पे आएंगे ना ये, तो इसको हमको ये सीधा करना है, ये वाला कपड़ा को यहाँ से ऐसा सीधा कर लेंगे, ये सीधा कर लेंगे ये वाला। ये कपड़ा सीधा करने के बाद यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, जो कपड़ा ये बचता है ये वाला, इसकी हम बनाएंगे फुद्दी, जो कि फुद्दी लटक होती है, ये फुद्दी हमारी लटकाने की हो जाएगी। बिल्कुल 1.25 मीटर में एक भी कपड़ा फेंकने जैसा कहीं होता ही नहीं है, ना कटिंग होती इसकी। ये अब फिर इसको क्या करेंगे, जैसे ये हमारा तो हो गया ऊपर का भाग और ये वाला भाग जो हो गया ना, इसको इस तरीके से मिलाएंगे, ये यहाँ पे जो हम बराबर लिए है ना, तो ये यहाँ पे इसको मिला देंगे, ये बराबर इसे मिला करके सिलाई लगाएंगे ये बराबर यहाँ से। और फिर ये जब तिरछी सिलाई लगाएंगे ये वाले, तो इस सिलाई का बता दूं बराबर दिख रहा कि नहीं, ये मिलान पहले सिलाई लगाएं, फिर जब ये वाली सिलाई लगाएंगे इसको, तो ये जो रेप सिलाई रहती है तो बढ़ती है, तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे, उल्टे की तरफ एक ओट ओटेंगे, एक पूरी अखंड सिलाई लगाएंगे सिर्फ सिंगल ओट ओट के। यदि आप डबल कर देंगे ना तो फिर वो बराबर सिलाई नहीं लगेगी या सुंदर भी नहीं आती है। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले एक ओट ओटना है, अखंड सिलाई लगाना है और फिर दूसरी ओट ओटना है, तो ये पूरी आखिरी तक यहाँ तक का ओटना है। देखिए ये खोलूंगी तो यहाँ पे अभी जोड़ नहीं लगाई मैंने, पिन अप नहीं किया, तो खुल जाएगा, देखिए इतना लंबा तो हो जाता है ये। और ये हमारा जो है ये फुद्दी वाला भाग है, तो यहाँ पे जब सिलाई लग जाएगी ना, तो ये वाली फुद्दी कटिंग करके यहाँ से कट करके और यहाँ पे जोड़ना है ऐसा, ये चौड़ी लगेगी, ये फुद्दी लटक हो गई, ये हमारा पूरा फन वाला भाग। तो ये जो वाला भाग है देखिए, ये पूरा इतना चौड़ा 1.25 मीटर का ये बनेगा झंडा, बराबर टेबल में दिख रहा होगा। आप जब कटिंग करेंगी तो बहुत ही सुंदर एवं सरल तरीके का बनेगा और बहुत ही सुंदर झंडा बनेगा। तो देखिए और ऐसे लहराएगा कि बस आप कहती जाएंगी कि मंदिर में क्या खूबसूरती छाई हुई है। तो ये हमारा हनुमान जी का झंडा कटिंग करने का तरीका। और यदि पूरा यदि कटिंग आ गई हो, यदि डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकती हैं, बराबर डाउट क्लियर करूंगी। शुरू से आखिर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।